अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई फ्यूचर MNS ऑफिसर्स. कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर यू आर डूइंग ग्रेट. सो वेलकम टू माई YouTube चैनल MNS जोन एंड दिस इज रिया कुमारी. सो डियर MNS एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया की लिस्ट बताने वाली हूँ, जो कि 12 है. 12 टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे इंडिया में. तो टोटल मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वो बैंक के नेम और वो बैंक कब एस्टैब्लिश हुए थे और उनके हेडक्वार्टर्स, बिकॉज लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा था आप लोगों से और 2019 में भी एग्जाम में पूछा गया था. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. तो वीडियो के साथ साथ आप लोग इन्हें लर्न भी कर लें, ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को वीडियो के साथ साथ लर्न भी हो जाएगा. तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ. सो सारी लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो है हमारे इंडिया का, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र. सो नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट बैंक इज पंजाब नेशनल बैंक. सो ये एस्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1894. तो आप लोगों को मैं साथ साथ डेट और ईयर दोनों बता रही हूँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. और इसका जो हेडक्वार्टर है पंजाब नेशनल बैंक का, न्यू दिल्ली, ठीक है. हेडक्वार्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज एस्टैब्लिश्ड ईयर. तो प्लीज़ आप लोग इनको साथ साथ नोट करते रहें, ठीक है, अपने नोट्स में नोट करते रहें, लिखते रहें आप लोग और लर्न भी करते रहें, ठीक है. नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा. सो बैंक ऑफ बड़ौदा एस्टैब्लिश हुआ था 20 जुलाई 1908 एंड इसका हेडक्वार्टर है वो है बड़ौदा, गुजरात, ठीक है. नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ इंडिया. सो बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 7 सितंबर 1906 एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है. नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र. सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एस्टैब्लिश हुआ था 16 सितंबर 1935 एंड इसका जो हेडक्वार्टर वो है पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है. नेक्स्ट बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 11 नवंबर 1919 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बैंक, कैनरा बैंक. सो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1906 और इसका जो हेडक्वार्टर वो है बेंगलुरु, कर्नाटका. नेक्स्ट बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड ये एस्टैब्लिश हुआ था 21 दिसंबर 1911 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है. तो प्लीज आप लोग डेट और ईयर अच्छे से नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज MNS एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. क्वेश्चन सिंपल होगा लेकिन आपसे थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, तो इसीलिए आप लोग हर तरह से क्वेश्चन की प्रिपेयर रखें अपना आंसर्स, ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बैंक, इंडियन बैंक. सो इंडियन बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1907 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई, तमिलनाडु. नेक्स्ट बैंक इज इंडियन ओवरसीज बैंक. सो ये एस्टैब्लिश हुआ था 10 फरवरी 1937 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई, तमिलनाडु. नेक्स्ट बैंक इज पंजाब एंड सिंध बैंक. ये एस्टैब्लिश हुआ था 24 जून 1908 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली. नेक्स्ट एंड द लास्ट बैंक ऑफ दिस वीडियो, यूको बैंक. सो यूको का है फुल फॉर्म यूनाइटेड कमर्शियल बैंक एंड ये एस्टैब्लिश हुआ था 6 जनवरी 1943 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल. सो आज के इस वीडियो में, आज के छोटे से वीडियो में, मैंने आपको सारे टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे इंडिया के मैंने बताए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है. तो प्लीज़ आप लोग इनको अच्छे से नोट कर ले और लर्न कर ले, ठीक है, इनके डेट्स कब एस्टैब्लिश हुए थे एंड येस मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स, ठीक है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, आप लोग इनको अच्छे से लर्न कर ले. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस टॉपिक. सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. जय हिंद.